हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। कल्पना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ हेल्दी लड्डू। तो ये मैंने मखाने हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। कल्पना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आटे के लड्डू बनाना बता रही हूँ। तो मैंने ये कट करके लिए हुए हैं 100 ग्राम बादाम, ऑलमंड्स लिए हुए हैं, इतने ही मैंने एक काजू कैश्यू नट लिए हुए हैं, और ये पिस्ता मैं कट करूँगी। ये बिना छिले हुए हैं तो इनको मैं, और ये मखाने लिए हुए हैं तो इनको मैं टोस्ट करूँगी। मैंने एक कटोरी घी लिया हुआ है, इसमें दूंगी। और ये आटे के अकॉर्डिंग शक्कर लगेगी। शक्कर मैंने 1 से 1.5 पाव ली है, और ये भी मैं 1.5 कटोरा आटा लूँगी। तो मैंने छान के रखा हुआ है। घी डालकर मखाने को रोस्ट कर लेंगे। ये मखाने डाल दिए, गोंद ली हुई है, कतर गोंद क्या बोलते हैं, छोटी वाली ली हुई, एक बड़ी साइज की आती है, ये मैंने बहुत बारीक वाली ली है। इसको भी मैं घी में तल के ग्राइंड करूंगी। और ये सौंठ, जब लड्डू बनाएंगे तब सौंठ को भी छान कर डाल देंगे। तब तक मैं फ्राई कर लेती हूँ। खाने रोस्ट हो रहे हैं, तब मैं इनको काट लेती हूँ। तो ये हमारे मखाने 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ठंडे होने के बाद गरम नहीं करना है, क्योंकि मशीन वैसे भी गरम हो जाती है। इनको हम ठंडा कर ग्राइंड करेंगे। तब तक हम अपने और ड्राई फ्रूट ऐड कर लेते हैं। इनको हेल्दी और करने के लिए इसमें नट्स वगैरह, मूंगफली डाल सकते हैं, और पम्पकिन सीड डाल सकते हैं, अलसी भी डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड जिसको बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं आप लोग। और मैं इसके बाद ये थोड़ा सा घी डालकर ऑलमंड्स को फ्राई करूँगी। फ्राई होने के बाद मैं कैश्यू नट को फ्राई कर लूंगी, हल्के से लाल हो जाए। ये मैंने मखाने रोस्ट करके रख दिए हैं। आलमंड को कट कर उनको भी रोस्ट कर रही हूँ घी में। और ये मैंने लिए हुए हैं पिस्ता, ये छिलके वाले थे, इनके छिलका निकाला हुआ है।
और ये कैश्यू नट है, इनको भी मैं कट करके ऐसा फ्राई करूँगी। शक्कर ली हुई है एक पाव, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम मीठा ज़्यादा ले सकते हैं। और ये आटा लिया हुआ है, ये डेढ़ डोंगे, इस डोंगे में एक, इस डोंगे में 11 चम्मच करीब है स्पून है, एक डोंगे भर के 11 स्पून है इस स्पून में, और आधा डोंगा और है। टोटल मैंने डेढ़ डोंगे का यूज किया है। और मैं घी अभी एक कटोरी लिया है, और हमको लगेगा ये मैंने रख लिया है क्योंकि आटे में लगता है, तो मैं सबसे थोड़ा सा आधा कटोरी घी और ऐड करूँगी। टोटल एक से डेढ़ कटोरी घी का यूज करूँगी। और ये मैंने पत्थर क्या गूंद ली हुई है, ये गूंद ली हुई इसको भी मैं ग्राइंड करके आटे में मिलाएंगे। तो आटे को भी भूंजेंगे अभी हम सेकिंग। आलमंड भी हमारा फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे और काजू इसी में डाल देंगे। सॉरी, ग्राइंड कर लेते हैं, काम के चक्कर में क्या बोल रही हूँ, ध्यान ही नहीं है। चार पांच मैंने बादाम भी रखे थे और पिस्ता, इनको भी मैं डाल दूंगी इसमें क्योंकि टाइम लेट हो रहा है। इसके बाद दाल के साथ इसको मैं पीस लेती हूँ। मैं अपने ये इनको भी गोल कर रोस्ट कर लूंगी, फिर आटे को सेकूंगी। इसी तरह मैंने ये सब घी में सेक के रख दिया है, इसको ठंडा होने के बाद पीस लेंगे ये गोंद को। और इसके बाद हम ये आटे को भूनेंगे घी डाल के। ये देखिए घी हमारा कम हो गया है, तो हम एक चम्मच घी और चलाएंगे, ऊपर से भी ला सकते हैं। तो हम ये आटे को भूनने के लिए रख देंगे। लो मीडियम लो फ्लेम में सेकेंगे, धीमे आंच में धीरे धीरे।
मैंने सभी ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए हैं और ये गेहूं को भी तल लिया है। आटा सेक रही हूँ, आटा सेक रही हूँ, इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। तो हमारा ये आटा भूजते भूजते हो गए हैं 5 से 6 मिनट। आटा जब तक खुशबू नहीं आने लगे और हल्का पिंक टाइप का लाल नहीं हो जाए जब तक हमें भूजना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसको हमको बढ़िया से रोस्ट करना है और हम घी डालते जाएंगे, थोड़ा सा और डालेंगे घी इसमें हम, और ऊपर से बाकी बांधने में जो लगेगा वो हम ऐड करेंगे। शक्कर भी मैंने पीस के रख ली है और मसाले भी हमारे तैयार हैं। बस फिर मैं बनाऊंगी लड्डू। अभी मैं उनको रख दे रही हूँ, खाना भी तैयार करना है। खाना भी मैंने चढ़ा दिया है कुकर, बस इसको भूज लेंगे 5 से 10 मिनट, तो हमारा आटा तैयार हो जाएगा। ये हमारा आटा भूजते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। इसको थोड़ा सा 5 मिनट भूज के हम बंद कर देंगे और बस लड्डू की तैयारी शुरू कर देंगे। ये हमारा आटा भूज गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। और एक तरीके से और हम आटे के लड्डू बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने आटा लिया हुआ है, इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डाल देंगे 1/2 चम्मच, क्योंकि घी में मैंने बहुत ही हल्का सा तेल दिया, इसको धीरे धीरे करके भून देंगे। बाहर शोर हो रहा है क्योंकि तो काम लगा हुआ है, वॉइस वगैरह कर दूंगी जहाँ ज़्यादा शोर होगा। तो इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घी का निकल लेंगे। बस मैं एक फ्राइंग पैन लूंगी, फ्राइंग पैन लूंगी और बस इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे ऊपर से। इसको हमको ऊपर से घी डालना ही नहीं, और बस ये लोइयां हम चिपका देंगे ऐसे ऐसे करके चिपका देंगे। और इसमें हम फोल्ड कर देंगे। बसन में हम होल कर देंगे। ये मेरे पास उसका छिलनी का पीलर का पीछे का निकल गया था, आप चाहे तो इसी रूप से कर सकते हो। ऐसे करना है हमें तो हल्के हल्के, और ऐसे हमें कर देना है। ये ऊपर का हिस्सा निकाल देना है गोल वाला, और इसमें हमको टीवी कर देना है। हमको हम पलट देंगे, अभी हम धीमा रखेंगे क्योंकि अब उनको होल कर रहे हैं, अंदर से पक जाए जिससे हमारे। एक और है पूरी, उसको भी हम ऐसे पतला करके इसके अंदर हम थोड़ा घी भर देंगे। सेक लेना है अच्छे से हमको। सबके अंदर हमको थोड़ा थोड़ा घी भर देना है ताकि अंदर तक हमारा सिक जाए
और अब इसको हम पलट भी देंगे। देखिए हाथ से बड़े आराम से पलट जाएगा। अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, इनके चम्मच की मदद ले लेंगे और इनको दूसरी तरफ भी फेंक लेंगे दवा दवा। ये देखिए हमारा लाल लाल हो गया, इसमें भी हम पूरे कर लेंगे थोड़ा सा लाल। इसको हमको पूरा सुनहरा होने तक सेकना। इसमें भी घी भर देना। थोड़ा सॉल्ट बचा, इसको भी हम डाल देंगे। ये सब जगह सब में लगा देंगे। देख लेना इसको, चन्ना होने के बाद इसका आप आटे का चूरमा बना सकते हैं। देख सकते हैं लड्डू में भी ऐड करेंगे, इसके मैं अलग से दिखा दूंगी आपको। बस हम इसको निकाल लेंगे इस पेज में और इसको ठंडा कर ग्राइंड कर लेंगे। और हमारा ये आटा भी बन गया अच्छी तरह, इसको भी हम बंद कर देंगे और इसे हम घी पिघला लेंगे। अभी ठंडा हो जाएगा हमारा। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। दोनों तरह के आपको लड्डू दिखाऊंगी। इसके नाम बंद कर देंगे। तो मैंने ये जो पूरी फ्राइंग पैन में तली थी, सेकी थी, उसको मैं चूरा कर लिया है। इसको मिक्सी जार में हम डाल के पीस लेंगे और ये आटे को हम थोड़ा ठंडा होने रख देंगे 2 से 3 मिनट पंखे की हवा में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जल्दी ठंडा हो जाएगा। यहाँ मैं रख देती हूँ, ये मेरा है, मैं लाइट जला के आपको। ये देखिए हमारा फ्राइंग पाउडर हो गया है जैसे हमें चाहिए था, रवीला सा। तो इसको भी मैं मेवा डालकर बनाऊंगी, गुड़ से ही बना लूँगी। ये आटे के लड्डू में घी काफ़ी मात्रा में लगता है, गुड़ से बनाएंगे चाशनी से थोड़ा कम लगेगा। पर इनको स्टोर करने के लिए हम ज़्यादा नहीं रख सकते, 1 हफ्ते 10 दिन। हम इसको साइड पास में रख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने सौंठ की छान के रख दी है, ये हमारा ठंडा हो गया है। और ये मैंने 1 कटोरी शुगर ले ली है क्योंकि 1.5 कटोरी खा रहा हमारा। ये थोड़ा सा मैंने अलग किया था इसे आपको दिखाने के लिए कि थोड़ा सा देखिए इसमें उसमें कितना अंतर है। बनाना है इसमें हम शक्कर मिला लेंगे। थोड़ी शक्कर मैंने थोड़ा पाउडर डाल दिया। अभी मसाला भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें भी ऐड कर देंगे। और ये ड्राई फ्रूट ये हमने बन के रखे थे, ये कैश्यू नट थे, पिस्ता को भी हम ऐड कर देंगे। और हमने क्या गोंद लिया,